तिज पार्यकाल मज तिंद डिशन और तिंद कार्यकाल मज कांग्रेस पार्टी कित पट मजबूत कर्म यम नेहरू जी सूद रूदमित सरदार वल्लभ भाई पटेल मगर तम रचना अलग पा कथ पट तम सात नार लोग वर्किंग मेंबर और अस बिहत वे जम्मू कश्मीर यूटी हिंद प्रेसिडेंट श्री वकार हुसैन वानी साहब एमएस हमरा सीनियर लीडर कांग्रेस मोहम्मद अनवर एमएलसी गुलाम नबी मोंगा साहब महिला कांग्रेस शमीमा रैना जी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बारामूला डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गांधरबल और तो सारे तरफ वह जी अस्सलाम वालेकुम अजकी प्रोग्राम सोन जमा गु अक मकसद कि यम यत खूबसूरत मुल्कस मज और सान तंजीम रहनुमा श्रीमती इंदिरा गांधी शहीद दुआ मनाने यवान चु जी का डेथ एनिवर्सरी है 38वीं डेथ एनिवर्सरी है और आज हमारा जो है दोनों जगहों पे प्रोग्राम था। जम्मू में हमने इंदिरा चौक में श्रद्धांजलि दी उनको 10 बजे दी थी और 12:30 बजे हमने यहाँ पे फंक्शन रखा था इंदिरा जी को श्रद्धांजलि देने के लिए। तो मैं ये कहूँगा कि आज के दिन पे एक तो हमें दुख भी है कि उन्होंने इतनी गोलियां अपने सीने पे ली इस मुल्क के लिए और अपनी जान का नजराना जो है वो पेश किया। दूसरा मैं ये कहूँगा कि इंदिरा गांधी एक आयरनी लेडी थी, एक ग्रेट लेडी थी जिसने एक मुल्क इस मुल्क को बहुत कुछ दिया जिसमें गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा था उसका और उसमें वो काफ़ी हद तक सफल हुई। अगर विडो पेंशन शुरू हुआ तो उसके टाइम में शुरू हुआ, अगर BPL कैटेगरी जिनको सहायता दी गई राशन में दूसरी चीज़ों में या इंदिरा आवास योजना शुरू हुई तो उनके वक्त में शुरू हुई। तो मैं ये कहूँगा कि ओवरऑल जितनी ज़्यादा टर्म अगर कोई प्राइम मिनिस्टर रही है कांग्रेस की वही रही है और उसने इस मुल्क को बहुत आगे पहुँचाया। जितनी जंगें उसके टाइम में लड़ी गई सब हिंदुस्तान ने जीती। आज एटॉमिक पावर हिंदुस्तान है तो उसके टाइम में पहला न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था। तो ये कहूँगा मैं कि इंदिरा गांधी जी एक बहुत ग्रेट लेडी थी जिन्होंने हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन बुद्ध क्रिश्चियन सबको इकट्ठे चलाया, इस मुल्क को बनाया और उस मुल्क को आगे ले जाके अपनी जान का नजराना इस मुल्क के लिए पेश किया और शहादत पेश की। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनका आज दिन था वो कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडर थे। मैं ये कहूँगा BJP आज उनको बेच रही है, उनको मैं कहूँगा BJP वालों को कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के लीडर थे और हमारे होम मिनिस्टर थे। जिस वक्त मुल्क आज़ाद हुआ मुल्क अलग अलग राजवाड़ों में बटा हुआ था, इस मुल्क को इकट्ठा करने में पंडित नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। हम उस रोल को भी आज श्रद्धांजलि पेश करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी श्रद्धांजलि आज पेश करते हैं। वही फंक्शन आज हमारे दोनों कांग्रेस के जगहों पे जम्मू में भी था और श्रीनगर में भी था, जो दोनों फंक्शन मैंने आज अटेंड किए। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच बहुत।